brought to you by Hire. इधर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम, तो उधर अब कनाडा पुलिस भी कथित तौर पर लॉरेंस का नाम एक केस से जोड़ रही है। लॉरेंस के तार कनाडा तक क्यों जुड़ रहे हैं? क्या वो वहां भी कोई आपराधिक साजिश रच रहा था? और इन दोनों सवालों के जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन क्या इस बात का कोई तुक बनता है कि इसके आधार पर कनाडा सीधा भारत पर ही कोई आरोप लगा दे? कनाडा की पुलिस ने 14 अक्टूबर की देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां की पुलिस का नाम है रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, छोटा नाम RCMP। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा की पुलिस ने कई पहलुओं पर अपनी बात रखी, जैसे कि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड पर, कनाडा में बीते दिनों हुए कुछ अन्य मर्डर केसेस पर, तमाम अपहरण के मामले, फिरौती के मामले जो वहां से आए हैं उन पर, और बिश्नोई ग्रुप पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में RCMP की असिस्टेंट कमिश्नर ब्रिगेड गॉबिन से सवाल किया गया कि कनाडा में बीते कुछ समय में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ा है, पुलिस का इस पर क्या कहना है। इस पर गॉबिन ने जवाब दिया, अभी इस मसले की जांच चल रही है इसलिए हम ज़्यादा डिटेल्स तो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि बीते कुछ समय में RCMP ने देखा है कि देश में संगठित अपराध माने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़े हैं। इसमें खास तौर पर एक क्राइम ग्रुप का नाम आ रहा है, बिश्नोई ग्रुप। हमारा मानना है कि ये ग्रुप भारत सरकार के कुछ एजेंट्स के साथ मिला हुआ है। But what we've seen is from an RCMP perspective is the use of organized crime elements, and I will say what we've, and it's been publicly attributed and claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. अभी जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का नाम अलग-अलग देशों में अलग-अलग अपराधों से जुड़ा है, तो ऐसे में कनाडा पुलिस ने जब बिश्नोई ग्रुप कहा तो इसका प्राथमिक मतलब लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से ही निकाला गया। हालांकि हम अभी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इससे पहले ब्रिगेड से पूछा गया था कि कनाडा की पुलिस भारत पर किस आधार पर आरोप लगा रही है। उन्होंने जवाब दिया, I mean, it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada or members of the pro-Khalistan movement. इसके अलावा कनाडा में 14 अक्टूबर को ही एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने भी भारत पर कुछ आरोप लगाए। उन्होंने जो बातें कही उनमें से तीन खास बातें आपको बताते हैं। पहली बात, भारत सरकार के समर्थन से उनके कुछ एजेंट्स ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कनाडा की जनता को खतरा है, ट्रूडो की कही। दूसरी बात, कनाडा भारत की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करता है और हम भारत से भी ऐसी उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी भी संप्रभुता का सम्मान करें, लेकिन बीते कुछ समय में भारत ने ऐसा नहीं किया, ट्रूडो की कही। तीसरी बात, पिछले हफ्ते मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, तब मैंने सिंगापुर में सप्ताह के अंत में होने वाली हमारी सुरक्षा सलाहकारों की बैठक पर जोर दिया था। आप जानते ही हैं कि 15 अक्टूबर को भारत ने कनाडा में अपने उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत कुछ टॉप डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया। इसके बाद भारत ने यहाँ नियुक्त कनाडा के कुछ डिप्लोमेट्स को भी वापस जाने के लिए कह दिया, यानी वो डिप्लोमेट्स जो भारत में थे उनको भारत छोड़कर अपने देश वापस जाने के लिए कहा। इनको वापस जाने के लिए 19 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इन तमाम एक्शंस की वजह है दोनों देशों के बीच बढ़ता हुआ डिप्लोमेटिक स्तर पर तनाव। ये तनाव बढ़ा क्योंकि कनाडा लगातार खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत पर आरोप लगाता रहा है। हालांकि कनाडा से जब भी इस मामले में कोई सबूत मांगे गए हैं कि किस आधार पर वो ये आरोप लगा रहे हैं, तो कोई ठोस सबूत कनाडा कभी सामने नहीं रख पाया है। इसलिए कई बार कनाडा ने यह भी तर्क दिया कि अभी हमारी जाँच जारी है इसलिए हम कोई सबूत अभी शेयर नहीं कर सकते। अब कनाडा ने नया आरोप लगाया है जिसके केंद्र में बिश्नोई ग्रुप है। कथित तौर पर यह रेफरेंस लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप के लिए है, उसके गैंग के लिए है। लॉरेंस जो फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है, जिसके ग्रुप पर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की साजिश रचने या इसे अंजाम देने के आरोप लग रहे हैं और जिसके नाम पर तमाम सेलेब्स को बीते दिनों धमकियां दी जाती रही हैं। लॉरेंस के गिनों का गठजोड़ उत्तर भारत के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यहाँ तक कि विदेशों में इटली, आर्मेनिया, कनाडा, अमेरिका, दुबई, फिलीपींस, अजरबैजान, तुर्की, पाकिस्तान, ऐसे तमाम देशों तक फैला बताया जाता रहा है। फिलहाल भारत ने कनाडा के इन आरोपों पर, जिसके केंद्र में लॉरेंस बिश्नोई भी है और जिसके केंद्र में तमाम अन्य आरोप भी जो कनाडा ने मढ़े हैं वो हैं, इस पर भारत ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रतिक्रिया आएगी तो वो भी आपको बताएंगे। ये खबर लिखी है वैष्णवी ने, कैमरे के पीछे मयंक। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।